लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अरे अक्षय बाजी यार, आप तो खेले खिलाए आदमी हो यार, काहे पंगे में फंस गए, मुझे तो ये समझ नहीं आया। दोस्तों यार, ये स्त्री से बचना पड़ेगा अक्षय कुमार को। अब ये वाला जो 15 अगस्त है ना, अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में, और एक मूवी जॉन अब्राहम की वेदा भी आ रही है, एक्चुअली काफी सारी मूवीज आ रही है, पर यहाँ श्रद्धा कपूर राजकुमार राव स्त्री 2। भाई मैंने आज रिपोर्ट खोली, थोड़ा बिजी था मैं, लेकिन मैंने कहा यार चलो शाम को देखूंगी, चल क्या रहा एग्जैक्टली, अपडेट नहीं थी। भाई मैं हैरान, और मुझे सबसे पहला थॉट आया यार खेल खेल में, क्योंकि मैं खेल खेल को मानता हूं, जो अक्षय कुमार की मूवी है इस तरीके से नहीं खुलेगी, जो अक्षय कुमार की सरफिरा खुली है पहले और एक दो मूवीज और हैं, उस तरीके से इसका हाल नहीं होने वाला है, ये मैं आपको श्योर शॉट कह सकता हूं। पर यार फिर भी आपको आज जो मैं इस वीडियो में बातें बताने जा रहा हूं ना, वो फिर अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्ट्रोवर्सी और बिग प्रॉब्लम फॉर आवर सो कॉल्ड देसी बॉयज। तो क्या आपका वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो भाई, स्त्री 2 पहले दिन से, अपने दिल से पूछ लो, स्त्री 2 पहले दिन से अनाउंसमेंट के टाइम से, और ये मैं बात हजारों वीडियो में कह चुका हूं, मूवी अनाउंसमेंट के टाइम से ही पता चल जाती है कि मूवी ब्लॉकबस्टर है कि नहीं है, एटलीस्ट रिलीज से पहले ब्लॉकबस्टर, जो प्री बस जिसे कहते हैं। रिलीज के बाद तो ऑब्वियसली मूवी का कंटेंट डिसाइड करेगा। स्त्री 2 टाउन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हर अच्छे रीजंस की वजह से बात की जा रही थी, और ये सिर्फ आप और मैं बात नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये मेकर्स भी जानते हैं। मेकर्स जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता प्रोडक्ट उनका बिल्कुल बेकार जाएगा। बिल्कुल बेकार क्या मतलब, बेकार जाएगा, एवरेज जाएगा। उनको पता है उन्होंने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाया, मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। 14 तारीख की रिलीज कर दी है ये, 14 तारीख की रिलीज। पुराने बंदे जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा, पेड प्रीव्यू नाम से पहले होता था, वो तभी होती है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो कंटेंट को लेके। और उससे बड़ा पटाखा फूटा जब एडवांस बुकिंग खुली है। एडवांस बुकिंग स्त्री 2 की भी खुल चुकी है, अक्षय कुमार की भी खुल चुकी है खेल खेल में, और वेदा की भी खुल चुकी है जॉन अब्राहम की। वेदा को हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। देखो भाई, खेल खेल में की बुकिंग बहुत बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो मैं आपको बता दूं क्यों मैं कह रहा हूं कि अक्षय कुमार को स्त्री से बच के रहना पड़ेगा। 625 शोज खुले, 748 टिकट सोल्ड आउट। मैं ये नहीं कह रहा कि शोज ज्यादा है, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि शोज ज्यादा है, बट फिर भी टिकट्स सोल्ड आउट कम है। पहला पॉइंट, अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग कहां है? वेयर इज द फैंडम? यार जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, तुम लोग कहां हो? इनिशियल स्टार्ट फैंस देते हैं मेरे भाई, किधर हो यार? मतलब छोड़ो यार, मतलब मेरे को इतना वो हो रहा है, 748 टिकट बिकी है। आई वॉन्ट दिस मूवी टू वर्क, बट वर्क मतलब खुले तो सही। ग्रॉस सिर्फ 2.61 लाख इनिशियली, भी आई थिंक आज ही खुली है इसकी एडवांस। वेदा जॉन अब्राहम 4096 टिकट्स, डिसेंट, नॉट बैड। 12 लाख एडवांस, नॉट बैड रियली। मतलब जॉन अब्राहम की वेदा से मुझे कुछ अटपटी सी उम्मीदें हैं, वो मैं मतलब आपको लगेगा यार कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है, बट मुझे वेदा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कंटेंट वाइज। मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी स्पीड पकड़ेगी, वो होगा नहीं होगा टाइम बताएगा। स्त्री 2 भाई क्या कर रही है, बकौल मचा रही है मूवी यार। 80,564 टिकटें बेच दोगे आप, ये लीड नहीं होता भाई। और देखो शोज भी 4,500 खुल चुके हैं, और इसमें 14 तारीख भी इंक्लूडेड है, मैं ये नहीं कह रहा 14 तारीख इंक्लूडेड नहीं है। और ब्लॉक्ड सीट्स के साथ 3.34 करोड़ की एडवांस। गाइस वी आर जस्ट 4 डेज बैक, जस्ट मतलब 4 डेज ज्यादा है इस एडवांस के हिसाब से। मुझे लग रहा है ये 15 करोड़ ठोक देगी एडवांस स्त्री 2, और स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा को छोड़ो, ये 200-300 करोड़ वाले सेगमेंट में ना चली जाए, बिकॉज मेकर्स आर लुकिंग सो मच कॉन्फिडेंट इन देयर प्रोडक्ट। एंड आई एज अ सिनेमा लवर न्यूट्रली बता रहा हूं मैं आपको, अगर मुझे 3 मूवी का ऑप्शन तो मतलब जाऊंगा तो तीनों, बट अगर मुझे तीनों मूवी को पूछोगे ना, द फर्स्ट मूवी आई थिंक यार ये एक्साइटिंग लग रही है, दैट इज स्त्री 2 फॉर रीजंस। सीक्वल है उसका, पहले पार्ट का जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है मुझे नहीं पता क्या रीजन है, बट ये मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे खेल खेल में बुरी नहीं लग रही, मुझे खेल खेल में भी इंटरेस्टिंग लग रही है, हालांकि मैंने अडैप्शन वाली ओरिजिनल मूवी देख रखी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है इंटरेस्टिंग लग सकती है लोगों को। वेदा भी इंटरेस्टिंग लग रही है, तीनों इंटरेस्टिंग लग रही है, बट भाई ऑडियंस को खेल खेल में अक्षय कुमार की मूवी को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अपने राजू भाई। तो ये फैंडम से है भाई, उनको सपोर्ट करो अक्षय कुमार को, नहीं तो कमेंट बाजी में कमेंट मत किया करो सिर्फ कि अरे नहीं ही अक्की इज बैक ये वो, सपोर्ट करो। फर्स्ट डे का तो बिल्कुल जिम्मेदारी आप पे है, यहां स्त्री 2 दोस्तों बहुत आगे निकलती हुई दिख रही है।
स्त्री तो वैसे भी भारी होती है, मतलब उनसे लड़ना थोड़ा डिफिकल्टी है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बाकी देखो क्या होता है, अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। 15 अगस्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा, रिव्यूज होंगे और बातें होंगी, आपसे चर्चा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना। तीनों मूवी में से एक थंगलन भी आ रही है तमिल की, आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी?